ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन के सौजन्य से जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह प्रतिवर्ष की भांति यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र हमीरपुर के खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट, एनसीसी और शिक्षण संस्थानों की टुकड़ियां पेड़ को शानदार और आकर्षक बनाने के लिए अभ्यास में जुट गई है। जिला प्रशासन के सौजन्य से जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह प्रतिवर्ष की भांति यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र हमीरपुर के खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस में पुलिस, होमगार्ड, स्काउट, एनसीसी और शिक्षण संस्थानों की टुकड़ियां परेड को शानदार और आकर्षक बनाने के लिए अभ्यास में जुट गई हैं। सभी टुकड़ियों ने अपना अभ्यास आरम्भ कर दिया है ताकि गणतंत्र दिवस की परेड में कोई त्रुटि न रह जाए। युवाओं में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और वे काफी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। एसआई परेड इंचार्ज पूजा शर्मा ने बताया कि बाल मैदान में 15 टुकड़ियां 26 जनवरी को होने वाली परेड की तैयारियां कर रही हैं, जिसमें कि पुलिस, होमगार्ड, स्काउट, एनसीसी आदि टुकड़ियां परेड को शानदार और आकर्षक बनाने के लिए अभ्यास में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि दो नई टुकड़ियां आई हैं जिनको पुलिस, होमगार्ड ने परेड अभ्यास करवाया और सभी टुकड़ियों में परेड के प्रति उत्साह देखा जा रहा है। ये गणतंत्र दिवस की परेड चल रही है रिपब्लिक डे की, तो यहाँ पे जो है 15 टुकड़ियाँ जो है स्टूडेंट्स है बड़े सारे, और यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमने जो है जो मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है स्टूडेंट्स है उनको सिखाया है, जो नवोदय जेएनवी के बच्चे हैं वो नई टुकड़ियाँ हैं। दो टुकड़ियाँ आई हुई है, कुछ एक लड़कियों की है एक लड़कियों की है, तो ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब हम 21 तारीख से ये प्रैक्टिस चल रही है और जो कंटिन्यू रहेगी 25 तारीख तक और 26 तारीख को जो फाइनल यहाँ पर परेड होगी। वहीं एसपी हमीरपुर अरिजीत जैन ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी की परेड बाल स्कूल मैदान में की जाएगी। उन्होंने कहा कि 71वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता उद्योग, श्रम एवं रोजगार, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विक्रम सिंह करेंगे। मुख्य अतिथि प्रातः 11 बजे यहाँ ध्वजारोहण करने के उपरांत पुलिस, गृहरक्षा वाहिनी, विभिन्न स्कूली बच्चों व अन्य संगठनों की परेड का निरीक्षण करेंगे और मार्च पास्ट से सलामी लेने के बाद अपना शुभ संदेश देंगे। उन्होंने कहा कि इस बार पहली बार स्टूडेंट पुलिस कैडेट भी परेड में भाग ले रहे हैं। इस बार रिपब्लिक डे हर साल की तरह का आयोजन जो है बॉयज स्कूल हमीरपुर के ग्राउंड में किया गया है। इसमें माननीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री विक्रम सिंह जी जो हैं वो उपस्थित रहेंगे एज चीफ गेस्ट सलामी लेने के लिए। इसमें हमने टोटल अभी तक 15 कंटिंजेंट जो हैं शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनकी प्रैक्टिस अभी जारी है, 21 तारीख से कंटिन्यूस चली है। इसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, पुलिस की पुलिस, एनसीसी, होमगार्ड, एनएसएस के कंटिंजेंट भी होंगे। इसमें एक स्पेशल फीचर इस बार ये रहेगा कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट के जो बच्चे हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी पूरी वर्दी और ड्रेस में उन्होंने जो पिछले 5 महीने से जो हम स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम जो चला रहे हैं यहाँ पे हमीरपुर में उसके अंतर्गत वो इस बार इसमें शिरकत लेंगे। होमगार्ड का बैंड भी रहेगा। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ कर जोश के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और खासकर बच्चों का जो है प्रोत्साहन करें।